स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर. एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स वो आर प्रिपेयरिंग फॉर द 22 एंड 23. तो अगर आप 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने ही वाला है. ये अनाउंसमेंट जो मैं करने वाली हूँ 22 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. आप लोगों ने शायद से कैट के फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट 1 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है, 2 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कुछ स्टूडेंट्स 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है 1 ईयर या फिर मोर देन 1 ईयर से कैट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आपके लिए ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है. जैसे ही कैट का नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर कैट के एग्जाम पास में आने वाला होता है तो स्टूडेंट पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है. मैम अभी तक हमारा सिलेबस नहीं, हमने बहुत सारी चीजें कवर नहीं की है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक को मैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ कंपनसेट कर सकता हूँ, क्या मुझसे इन 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में कैट का एग्जाम क्लियर हो पाएगा. तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो ऐसा होता है ना कि यार अब तो एग्जाम हमारा आ ही गया है एंड यू हैव एप्रोक्सीमेट 110-115 डेज मैक्स टू मैक्स, इतने डेज में आप लोगों को प्रिपरेशन करना है. एंड नॉट ओनली फॉर द कैट एग्जाम, जो आपके नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनके भी नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए. स्नैप का नोटिफिकेशन आ चुका है, एनमेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, कैट का ऑलरेडी आ चुका था. ठीक है, अब आपके अब ये जो टाइम आया है ये आपका एग्जाम टाइम से स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है मैम वो बता दीजिए, बिकॉज वी आर एक्साइटेड. नहीं तो हम क्योंकि YouTube पे वीडियो नहीं तो हम फॉरवर्ड कर करके देख लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. तो बच्चे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आने वाली हूँ एंड वो टॉपिक है आपका जिससे प्रीवियस इयर्स में काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लाइव जूम क्लास करने वाली हूँ ऑन दिस टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बिकॉज अगर आप पास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखो तो यहाँ पे आपके पास 3 to 4 क्वेश्चन तक इस सिंगल टॉपिक से पूछे गए हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपके लिए क्लास लेके आने वाली हूँ, मैं आपके लोगों के लिए क्लासेस लेके आने वाली हूँ. ठीक है, क्योंकि आई विल टेक मोर देन 3-4 क्लासेस ऑन दिस सिंगल टॉपिक एंड जब ये टॉपिक आप उससे कवर कर लोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड आपको कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में 99.99% फॉर द सेफर साइड, ये 99.99% जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी उस कंसेप्ट से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे से, बिकॉज कुछ टॉपिक ऐसे जो मेरे दिल के बहुत पास में है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत मतलब मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है टॉपिक. तो मैं आप लोगों को इसको बहुत इफेक्टिव शॉर्ट अप्रोचेस शॉर्ट लॉजिक से करवाने वाली हूं. तो आइए, अगर आप लोग कैट 22 या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करिए. ठीक है, जूम पे ही आपकी क्लासेस होगी. अब हो सकता है आफ्टर 1 ईयर ये वीडियो 24 वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हो. तो बच्चे मैं जो भी सेशन आपका लाइव जूम सेशन होंगे कुछ टाइम के बाद मैं उसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तो जो लोग 24 के लिए 25 के लिए मतलब अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं इसमें कराने वाले क्या हूँ आप लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप्स में आपको डिवाइड किया है इस चैप्टर को. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करूंगी जो आपके बेसिक होंगे, जो आपके फंडामेंटल्स होंगे, जहां पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ आपके होल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे. देन आई विल स्टार्ट द रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे बिकॉज D is equal to speed into time. तो अगर D constant है तो S और T के questions आप ratio के concept से कैसे कर सकते हो, अगर speed constant है तो distance और time में कैसे आप ratio लगा सकते हो, अगर time constant है तो distance और speed में आप कैसे questions apply कर सकते हो. उसके बाद आई विल स्टार्ट द मीटिंग टाइम कंसेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं तो मीटिंग टाइम के मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द क्रॉसिंग टाइम, बेसिकली आप इसको बोल सकते हो जो आपका ट्रेन का कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे. देन आई विल स्टार्ट द बर्ड्स एंड स्ट्रीम, ठीक है, बर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. एंड देन रेस, रेस में आपकी दोनों टाइप की रेस मैं यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ, लीनियर रेस एंड सर्कुलर रेस. तो यहाँ पे इतने सेशंस में आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा कवर होगा. बहुत अमेजिंग, बहुत फंटास्टिक आप लोगों की क्लासेस होने वाली है. फर्स्ट आई विल कवर द टॉपिक
देन मैं आप लोगों को उससे कम से कम एक सिंगल टॉपिक पे मोर देन 50-60 क्वेश्चंस मैं वहां पे प्रैक्टिस के लिए दूंगी आप लोगों को, जो आपको करने होंगे. एंड जब एक बार हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा जिसमें हम लोग सिंगल सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, देन आई विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैट और जेड के, जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ. ठीक है, टाइम जो रहेगा आपकी क्लास का जो टाइम रहेगा बच्चे वो मॉर्निंग टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग टाइम होगा. बट मॉर्निंग टाइम में मैं सोचूं कि 8 to 10 के बीच में यहाँ पे आपकी क्लासेस का कोई टाइम डिसाइड करूंगी. क्लासेस आपकी जो होंगी वो 1 आवर का क्लास होगा ऑन द डेली बेसिस, जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ जाती कि यस मैम अब हम लोग टाइम स्पीड वी आर कॉन्फिडेंट एनफ नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है, तब तक मैं आप लोगों के प्रॉपर सेशंस कराऊंगी यहाँ पे. तो मॉर्निंग में 1 आवर का टाइम होगा, 8 to 10 के बीच में, या तो 8 to 9 हो सकता है, 9 to 10 हो सकता है, या फिर 11 कर लेते हो, 10 to 11 भी हो सकता है. मैं यहाँ पे 3 स्लॉट डालूंगी, आपको चॉइस डालनी होगी उसमें, 8 to 9, 9 to 10 या फिर 10 to 11. कौन सी चॉइस में ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे उस टाइम स्लॉट में मैं आपके ये सेशन लूंगी. अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे कैसे एनरोल करें, कैसे हमें पता चलेगा, जूम का लिंक हमें कैसे मिलेगा. तो बच्चे फॉर द जूम लिंक सबसे पहले आप लोगों को, बिकॉज आई विल शेयर द जूम लिंक ऑन द डेली बेसिस, आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कीजिए. मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो क्योंकि डेली बेसिस पे आपको लिंक वहीं पर मिलेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपको इसके लिए एनरोल करना होगा. एनरोल मैम इसकी तो बहुत ज्यादा फी होगी? नो, एनरोल करना होगा आपको. मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक करो, मैंने एक गूगल फॉर्म अपलोड किया हुआ है, गूगल फॉर्म आप फिल कीजिए. गूगल फॉर्म फिल करने है, बेसिक डिटेल्स है वहां पे, आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका सिटी एंड आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, सिर्फ इतनी डिटेल्स मुझे वहां पे चाहिए और कुछ नहीं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब आप ये गूगल फॉर्म वहां पे, इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा. एंड बच्चे ये जो रजिस्ट्रेशन फी है इट्स वेरी वेरी नॉमिनल फी. ये फी सिर्फ मैं आपसे इसलिए चार्ज कर रही हूँ ताकि आप लोगों की जो सीरियसनेस है टूवर्ड्स योर एग्जाम, टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन, वो मुझे थोड़ा सा पता चल पाए. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स रजिस्टर कर देते हैं, एक दो क्लास में आएंगे, दो में नहीं आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, तो उसमें मेरे पास स्लॉट्स बुक हो जाते हैं. तो जिन बच्चों को चांस मिलना चाहिए उन बच्चों को चांस नहीं मिल पाता. तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो एनरोल करेंगे लाइव क्लासेस के लिए. बाकी तो आप लोगों को यूट्यूब पे कुछ टाइम के बाद यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बट लाइव क्लासेस का ये फायदा होता है कि यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन द स्पॉट. अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी कंसेप्ट में, या आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि मैम इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो. आपके जो भी डाउट्स होंगे प्रीवियस क्लास में जो हमने किया उसके जो डाउट्स होंगे, हम लोग पहले उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वहां पे स्टार्ट करेंगे. सो द रजिस्ट्रेशन फी वेरी वेरी नॉमिनल, इट्स ओनली 100 रुपीज. बच्चे 100 रुपीज में मेरा कुछ नहीं होने वाला. हो सकता है मेरे घर में जो बच्चा है वो 100 रुपीज का रोज चॉकलेट खा लेता हो, या फिर आप भी खा लेते होंगे, मोर देन 100 रुपीज आप पर डे खर्च कर देते हो. सो 100 रुपीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आज के टाइम में. बट जब आप यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल करोगे, आप जीपे के थ्रू पेमेंट करोगे, तो आपको एक सीरियसनेस रहेगी कि नहीं यार मुझे वो क्लास अटेंड करनी है. वैसे तो आप लोग काफी मेच्योर हो, आपको पता है कि आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको कहाँ पे सीखने को मिल रहा है, कहाँ पे सीखने को नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो आप लोग इसके लिए रजिस्टर कीजिए. जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन आई विल शेयर द लिंक. आपकी जो क्लासेस है बच्चे, वो क्लासेस आपकी आज हुआ है 6th of August एंड आपकी क्लासेस 10th August से स्टार्ट हो जाएगी. मैं उससे ज्यादा का टाइम नहीं लूंगी. 10th August से लेके 15th August, दैट मीन्स 6 days, एंड 6 days आर एनफ. हो सकता है किसी दिन अगर छुट्टी है या कुछ है तो मैं आपकी क्लासेस 1.5 hours की भी ले लूँ, या फिर शाम को भी बुला लूँ आप लोगों को. मेरा टारगेट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, विद इन द टाइम विद द गुड स्पीड. ठीक है, वी कैन कवर द डिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस क्या है, अगस्त से लेके नवंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो डिस्टेंस आपको कवर करनी है. तो आपके पास मिनिमम टाइम है, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड टू कवर दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो आपको इसी तरीके से देखना है. चलिए तो फटाफट इसके लिए एनरोल कीजिए एंड आ जाइए 10th August की क्लास में. 10 से 15th August तक मैं आप लोगों की क्लास लेने वाली हूँ. इसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, सीरियसली कह रही हूँ. अगर आपको लगे कि मैम नहीं हमारे तो 100 रुपीज वेस्ट हो गए, मैं आपको डबल अमाउंट करके दे दूंगी, लेकिन एक बार आप क्लास में जरूर आइएगा. ठीक है, क्योंकि जब आप क्लास अटेंड करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन से कंसेप्चुअल एरर अभी तक करते आए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, ये मेरा वादा है. चलिए तो सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, गूगल फॉर्म फिल कीजिए एंड ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास.
Thank you guys. Bye bye. Take care.